अगली पंक्ति ये बच्चों, जाग तुझको दूर जाना है कि अगली पंक्ति, बांध लेंगी, बांध मतलब बांधना, बांध लेंगी क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। सजीले का अर्थ होता है बच्चों आकर्षण, अट्रैक्शन। मोम के बंधन मतलब सांसारिक बंधन। मोम के बंधन जो होते हैं बेटे, वो बच्चों को थोड़े दिन देर के लिए होते हैं, फिर वो मोम पिघल पिघल के खत्म हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक बंधन भी कुछ क्षणों के लिए होते हैं, फिर वो समाप्त हो जाता है। पथ मतलब रास्ता, की बाधा मतलब समस्या, बनेंगे तितलियों पर रंगीले। तितलियों के पर रंगीले मतलब आकर्षण की ओर, ठीक है, की ओर संकेत किया गया है। व्याख्या में समझाऊंगी। विश्व का क्रंदन, क्रंदन का अर्थ होता है रोना, भुला देगी मधुप, मधुप मतलब भौरा, की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, कारा मतलब जेल, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति में कवियत्री ने मन को सजग किया है और सांसारिक आकर्षणों की ओर ध्यान न देने की बात कही है कि सांसारिक आकर्षण क्या है, मोह माया के जाल हैं, ये थोड़े समय तक ही रहते हैं, तो उनसे दूर होने की बात की है। अब ध्यान दीजिए, बांध लेंगी क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। कवियत्री कहती हैं कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे। किस चीज में विचलित? पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पर मतलब पर, ठीक है, विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्षणभंगुर संसार के आकर्षण बड़े मोहक है। कैसे मोहक है? इनमें तुम सावधान रहना, तितलियों के पंख जैसे सुंदर। देखिए, तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीले आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे? क्या भंवरों की मधुर गान, देखिए भंवरों की मधुर गान न तुझे संसार के न करुण क्रंदन को भुला देंगी। फिर से ध्यान दीजिए, बांध लेंगे, कवियत्री कहती है कि हे मन, क्या संसार के जो न आकर्षण है वह तुम्हें अपनी ओर बांध लेंगे। क्या पथ की बाधा जो है, क्या तितलियों के रंगीले, रंग बिरंगे न पर को देखकर तुम्हारी जो न बढ़ने की प्रेरणा है वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे। रंग बिरंगे मतलब आकर्षण की ओर, सांसारिक आकर्षण तुम्हें फंसा लेंगे। क्या तुम्हें भौरों के मधुर गान अपने जाल में फंसा लेंगे? क्या तुम्हें विश्व का क्रंदन रोना नहीं सुनाई दे रहा? क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले? ठीक है, भौरों की मधुर गुंजार या क्या संसार की करुण क्रंदन को भुला देंगी? तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है। छाया के समान है मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े देरों के लिए है, स्थिर नहीं है, इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, ठीक है, ये थोड़े देर के लिए ओस गीले हैं। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छां को अपने लिए जेल मत बनाओ, क्योंकि ये छाया स्थिर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े देर के लिए है, क्योंकि तुझको अभी बहुत दूर जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर से सुनिए बच्चों, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने मन को सजग करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवित्री कहती है कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे? क्या तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे? क्षणभंगुर संसार के आकर्षण बड़े मोहक हैं, ठीक है, इनमें तुम्हें सावधान रहना होगा। तितलियों के पंख जैसे सुंदर रंगीले आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगे? क्या तुम्हारे मार्ग में भौरों के जो गुंजार है, मधुर आवाज है, तुम्हें करुण क्रंदन को भुला देंगी? तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है, इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुमको अभी बहुत दूर जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है।
ठीक है बच्चों, बच्चों इसमें चार पद है। पहला पद मैंने समझा दिया, दूसरा समझा दिया, तीसरा और चौथा समझाना है। हर पद मैं समझाने के बाद इसकी व्याख्या भी आपको वीडियो में डाल दूंगी या तस्वीर दे दूंगी। इस पदों की व्याख्या पहले आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा, फिर इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो मैं जब पहला पद या दूसरा पद मैं अपलोड करूंगी वीडियो समझाने का, तो इसके साथ इसकी व्याख्या भी मैं पिक्चर डाल दूंगी, जिसे आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। अगले वीडियो में हम तीसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।